हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आके इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके सामने हम एक पीसी असेंबल करने वाले हैं। ये पीसी असेंबल है, प्रोसेसर है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या मैं यहाँ पे दिया हूँ। एक जेब्रोनिक्स का एक कैबिनेट है। मैं पहले इस कंपनी के कैबिनेट में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये जो मॉडल है ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसके ऊपर मैं एक रिव्यू करने वाला हूँ। वो दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जेब्रोनिक्स का एक कैबिनेट है ये, जिसका प्राइस आपको 2000 के बीच में मिल जाएगा, 2100 2100 के बीच में। और ये रहा इसका SMPS, जैसे कि आप देख सकते हैं 450 वाट का। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका जो प्रोसेसर है। दोस्तों, ये रहा मेरा मेन प्रोसेसर, इंटेल का है, इंटेल कोर i3 6th जनरेशन, और या तो आप इसे 7th जनरेशन भी बोल सकते हैं। इसके साथ ये रहा कूलिंग फैन प्रोसेसर के साथ। यहाँ पे कोर i5 लिखा हुआ है, लेकिन ये i5 प्रोसेसर के साथ नहीं है, ये है i3। लेकिन जो फ़ैन है मुझे अलग से परचेस किया हूँ, तो इसलिए इस फ़ैन के ऊपर मत जाइए। जो सॉकेट नंबर है इसका LGA1151। ठीक है, तो ये रहा, साइड में हम कर देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, हम जो मदरबोर्ड यूज़ करने वाले हैं इसमें, वो है ये गीगावाइट का H310M S2 2.0। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में जो मेंशन किया हुआ है, यही बोर्ड हम यहाँ पे इसके साथ इंस्टॉल करने वाले हैं। इसका जो फैसिलिटी, इंटेल चिपसेट है H310, इंटेल कोर सपोर्टेड है, और ये 8th जनरेशन जो है ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सॉकेट नंबर, अगर आप देख सकते हैं तो LGA1151। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, हम ये जो रैम है किंग स्टोन का, जैसे कि आप देख सकते हैं किंग स्टोन, ये 4GB है DDR4। ठीक है, इसका जो प्राइस है आप यहाँ पे अनबॉक्स देख सकते हैं, 2500 रुपया है, लेकिन इतना नहीं पड़ा है मुझे, इससे कम पड़ा है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या तो आपका जो नज़दीकी रिटेल या शॉप है, आप वहाँ पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हम इसमें ये जो हार्ड ड्राइव है तोशिबा का, जो आप देख सकते हैं, हम ये परचेस डेट मेरा पहले का है। तो ये रहा मेरा हार्ड ड्राइव, ये रहा मेरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो तोशिबा का है, 1 TB है। जो हम कैबिनेट आपको दिखा देते हैं, इसका जो फ्रंट है कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसे यहाँ से अगर हम इसे रिमूव कर देंगे प्लास्टिक के, तो आपको दिखाई देगा आसानी से कैसा है इसका लुक। तो कुछ इस तरह से इसका लुक है, जो कि फ्रंट में 3.0 का एक पोर्ट दिया गया है, और ये 2.0 और ये 3.0। ठीक है, इसके साथ आपको ऑडियो, फ्रंट ऑडियो भी दिया गया है, और साइड में कुछ इसका कुछ इस तरह से लुक है। दो फैन दिया गया है, कूलिंग फैन। इसके बैक का बात करें तो बैक में कुछ इस तरह से इसका लुक है, और ये रहा साइड में। ठीक है, तो ये जो कैबिनेट है दोस्तों, मुझे काफ़ी पसंद आया है जेब्रोनिक्स की तरफ से। मुझे पहले जितना भी जेब्रोनिक्स का कैबिनेट हमने यूज़ किया है, मुझे उतना पसंद नहीं आता था। इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका ग्लेज, इसका लुक, इसका स्टाइल काफ़ी अच्छे पसंद आए हैं मुझे। तो इसके ऊपर में हम एक दूसरा वीडियो में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
ये जो मेरा असेंबलिंग पार्ट था दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। और चलिए हम इसे पावर ऑन करके देख लेते हैं। मेरा जो डिस्प्ले है, ये हम इसे ऑन कर लेते हैं। मेरा जो यूपीएस है, ये हम पावर को ऑन कर लिए हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, जो भी मॉनिटर, पावर और माउस, कीबोर्ड हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब इसे हम पावर ऑन करके आपको दिखा देते हैं। इसका जो पावर स्विच है ये है। आप तो जैसे हम पावर को ऑन किए हैं, मेरा जो सीपीयू प्रोसेसर फैन है वो घूमना रोटेशन स्टार्ट हो गया है। और आप जैसे कि देख सकते हैं मॉनिटर में ये डिस्प्ले। तो मेरा जो असेंबलिंग पार्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने आप डिस्प्ले भी चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड का जो लाइट है ये भी ऑन हो चुका है। तो यही था आज का वीडियो, कोर i3 सिक्स जनरेशन कैसे असेंबल करना है मैंने आपको। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।